Good morning, students. Welcome to class 8 and your chapter of the geography number 3, the minerals and the power resources. In our last class, we discussed about the minerals, the meaning of minerals, and the type of minerals, and the extraction of the minerals. And we studied and discussed the mining, drilling, shaft mining, etc. In today's class, we are going to discuss the distribution of the minerals in the whole world. तो बच्चों आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे मिनरल्स का, मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मिनरल्स जो है वो कहाँ कहाँ किस रीजन में किस कॉन्टिनेंट में किस कंट्री के अंदर मिलते हैं और कितनी क्वान्टिटी के अंदर मिलते हैं. नंबर फर्स्ट कौन है, किस मिनरल का प्रोडक्शन किस क्या सकते हैं कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है. तो आज की जो क्लास है इसके अंदर बेसिकली हम 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 कॉन्टिनेंट्स में मिलने वाले और इन मिनरल्स के नाम जो हैं और अगर कुछ एक खास पॉइंट है तो उसके बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना टॉपिक. देखते हैं सबसे पहले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स. हम स्टार्ट करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट से जहाँ पर इंडिया भी आता है. यू हैव ऑलरेडी नोन दैट देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड 5 ओशियंस. 7 कॉन्टिनेंट्स है, सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है, एशिया. उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड उसके बाद में आ जाएगा आपके अफ्रीका और उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया. तो इस तरह से ये सारे कॉन्टिनेंट कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है सिर्फ ये देखेंगे आप किस कंट्री में ज़्यादा आपको मिलता है ये जानेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की. तो देखते हैं बच्चों एशियन कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स जो हैं किस कंट्री के अंदर मिलते हैं. सबसे पहले बात करेंगे टिन, ठीक है. इस टिन का यूज आप लोग देखते हैं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं है ना, एक टिन के डिब्बे में आती है. जैसे आप पेप्सी ले लीजिए, कोको कोला ले लीजिए, दूसरे कोल्ड ड्रिंक और है जो टिन के डिब्बे में आते हैं जिसके ऊपर से हम लोग ढक्कन हटाते हैं फिर वो पीते हैं ना. ये टिन वही टिन है, बहुत ही हल्का मेटल होता है, बहुत लाइट मेटल होता है. तो ये जो मेटल है ये मिलता है चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया से, ठीक है. सेकेंड हम आते हैं ले, ये भी एक मिनरल का नाम है, लीड कहते हैं. इस लीड का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा होता है चाइना के अंदर, में एशिया की ही बात कर रही हूँ, ठीक है. इसके अलावा मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर, ये सारे मिनरल भी एशिया कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है. अब हम चलते हैं अपने सेकेंड कॉन्टिनेंट की तरफ यूरोप, ठीक है. यूरोप एशिया के ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वो यूरोप कहलाता है, ठीक है. तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. यूरोप जो है पूरे वर्ल्ड का जितना भी आयरन ओर प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे लीडिंग कॉन्टिनेंट माना जाता है. और यूरोप की कुछ कंट्रीज है जहाँ पर ये आयरन ओर बहुत ज्यादा निकलता है, जैसे रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, स्वीडन के अंदर और फ्रांस के अंदर, ठीक है. इसके अलावा भी कई सारे मिनरल्स जो हैं वो यूरोप से निकलते हैं, जैसे देखिए कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप. ये जितने भी मिनरल्स हैं ये ईस्टर्न यूरोप से मिलते हैं, मतलब यूरोप के ईस्टर्न डायरेक्शन में जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर ये मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है. अब हम आते हैं बच्चों अपने थर्ड कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका. अब नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल्स मिलते हैं उनको बेसिकली 3 जोन में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया है. पहला जो है वो है कैनेडियन रीजन. आपको पता हो कि नॉर्थ अमेरिका बेसिकली 3 कंट्रीज में डिवाइड है. सबसे नॉर्थ वाला जो है वो है कनाडा, बीच वाला है मेक्सिको और सबसे साउथ वाला जो है वो यूएसए कहलाता है, अमेरिका कहलाता है. आप अगर अमेरिका का मैप देखिए तो कुछ इस तरीके से ये जो पार्ट है कनाडा माना जाता है, ये आ जाएगा आपके यूएसए और ये आ जाएगा आपका मेक्सिको. तो इस तरह से 3 पार्ट के लिए नॉर्थ अमेरिका जो है वो डिवाइड है. तो यहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं बच्चों को 3 पार्ट में डिवाइड है, कैनेडियन रीजन, अल्पेशियन रीजन. ये अल्पेशियन रीजन जो है एक्चुअल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जो अमेरिका में मिलती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है. इस माउंटेन रेंज के अंदर काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं. तो ये जो पूरा एरिया नॉर्थ अमेरिका का इसको अल्पेशियन रीजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है. और आ जाता है ग्रेट लेक्स.
नॉर्थ अमेरिका में फाइव लेक्स हैं जिसमें ग्रेट लेक सुपीरियर भी आते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। इसी के साथ में और भी लेक्स हैं यहाँ पर, तो जो ये सारे लेक्स हैं इनको एक साथ ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये थ्री रीजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के जहाँ से ये मिनरल्स मिलते हैं। अब क्या क्या मिलता है, आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, इनका कैनेडियन शेयर। ये जो नॉर्थ अमेरिका में हम लोग अभी बात करें, ये जो कनाडा वाला एरिया है यहाँ पर आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर और ये सारे मिनरल्स मिलते हैं कनाडा से। फिर आते हैं यहाँ से निकलता है कोयला, कोल। ठीक है, अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका पर। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साउथ के जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका के नाम से जाना जाता है बच्चों। अब यहाँ से जो मिनरल्स मिलते हैं उसमें आता है ब्राजील। साउथ अमेरिका का एक देश है, एक कंट्री है ब्राजील, सबसे नॉर्थ में, और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील। ठीक है, इसे अनाज का कटोरा भी कहते हैं, और साथ में यहाँ पर मक्का का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर इसके अलावा कॉफी का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, ब्राजील की कॉफी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये वही ब्राजील है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाई ग्रेड आयरन। ब्राजील से हाई ग्रेड का मतलब अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है वो निकाला जाता है। इसके अलावा कॉपर ये निकलता है चिली और पेरू से, जो नॉर्थ अमेरिका सॉरी साउथ अमेरिका के ईस्ट में आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा टिन। टिन निकलता है ब्राजील से और बोलिविया से। मिनरल ऑयल निकलता है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू से। इसके बाद आते हैं हम अफ्रीका की तरफ बच्चों। अफ्रीका एशिया के बिल्कुल साउथ में आया हुआ है। ठीक है, और अफ्रीका जो है अगर हम लोग बात करें डायमंड की, गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की, जो सबसे महंगे मिनरल्स माने जाते हैं, बहुत ही प्रीशियस मिनरल्स माने जाते हैं, ये सारे मिनरल्स निकलते हैं अफ्रीका से। तो आप सोच लीजिए कि मिनरल्स के मामले में सबसे रिचेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। कई सारी बड़ी बड़ी माइंस हैं यहाँ पर, जहाँ से लाखों टन हर रोज के अंदर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और डायमंड निकाला जाता है। सबसे ज्यादा डायमंड निकलता है बच्चों अफ्रीका के अंदर से। अब हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड में अगर आप देखिए वर्ल्ड मैप के अंदर, तो ये जो अफ्रीका है इसके बिल्कुल साउथ के अंदर वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर, ईस्टर्न डायरेक्शन में जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। बच्चों बॉक्साइट का यूज एल्युमिनियम बनाने में होता है। एल्युमिनियम के बर्तन आप आपके यूटेंसिल्स घर में देख सकते हैं, ये वही बॉक्साइट है जिससे एल्युमिनियम बनता है। तो ये बॉक्साइट का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से। आप देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड, डायमंड, आयरन एंड गोल्ड। इसके अलावा अगर गोल्ड और डायमंड की बात करें बच्चों, तो अफ्रीका के बाद में ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ऐसा कॉन्टिनेंट है साहब जहाँ पर सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड निकलता है। और यहाँ पर दो माइंस है, दो बड़ी बड़ी खाने हैं जहाँ से ये गोल्ड और डायमंड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है गोल्ड डिपॉजिट एट कोल गार्डी एंड कालगुरी एंड कूल गार्डी। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो बड़ी बड़ी माइंस है जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी माइंस कहा जाता है इनको, जो ऑस्ट्रेलिया में आई है। कालगुरी और कूल गार्डी दोनों डायमंड गोल्ड माइंस के नाम है जहाँ से सोना निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट कॉन्टिनेंट की तरफ। हालांकि बच्चों ध्यान में रखना, एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के बिल्कुल साउथ में, साउथ पोल की तरफ जो आया हुआ है कॉन्टिनेंट, वो है जहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े ग्लेशियर्स, स्नो कवर्ड एरिया मिलता है, एक्सट्रीम कोल्डनेस यहाँ देखने को मिलती है, चारों तरफ वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, वाइल्ड लाइफ भी नहीं है, कुछ एक जो एक्वेटिक एनिमल्स है जिसमें पोलर बियर है, पेंगुइन्स है, ये कुछ एक्वेटिक या जो ठंड में रहने वाले जानवर है वो थोड़े बहुत यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर अभी तक मिनरल्स की खोज तो की गई है, लेकिन बच्चों यहाँ से मिनरल्स अभी तक निकाला नहीं गया है। ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड का एक तरह का रिजर्वरी का काम करता है। रिजर्वरी का मतलब स्टोर हाउस है, जहाँ पर ये भी मिनरल्स है जो यहाँ पर है तो सही, लेकिन हमने इनको अभी तक यूज नहीं किया है। तो जान लेते हैं अंटार्कटिका से कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं बच्चों। तो आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, ये
यहाँ पर बहुत ही बड़ा इनका डिपॉजिट मिला है, लेकिन यहाँ पर इनको सुरक्षित रखा गया है, कंजर्व किया गया है, अभी तक का इनका यूज बिल्कुल नहीं किया गया है। तो बच्चों आज की जो ये क्लास में अभी तक का जो टॉपिक है इसमें हमने पढ़ा है एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका की जो मिनरल डिपॉजिट है, कौन कौन से मिनरल्स इन कॉन्टिनेंट से मिलते हैं उसके बारे में। अब हम जान लेते हैं यूज ऑफ मिनरल्स के बारे में। हालांकि मैंने ये टॉपिक यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, आपकी नॉलेज में ये चीज़ें हैं कि हम मिनरल्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसकी बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता है आयरन ओर को, या आयरन जिसके बेस पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज चलती है, क्योंकि आयरन से ही सारी मशीनरी बनती है। उसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करें बच्चों, तो कॉपर का यूज जो है वो होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में। आपने देखा होगा जो हमारे बिजली के तार होते हैं उनके अंदर कॉपर के वायर होते हैं, सारे कॉपर वायर होते हैं, क्योंकि जो कॉपर है वो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है। और इसी के साथ में हम बात करते हैं बॉक्साइट की, बॉक्साइट का यूज एल्यूमिनियम बनाने में होता है। इस तरह से कोल है, कोल का यूज जो है वो फ्यूल की तरह भी होता है ना। तो लगभग कई सारे जितने भी मिनरल्स है बच्चों, इन सबका यूज कहीं ना कहीं हम लोगों की कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं उसमें होता है। अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल्स होते हैं वो दो तरह के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सॉरी, मैंने बात की थी रिसोर्सेज की चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसमें मैंने बताया था कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। नंबर 1 रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे वाटर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, ये धरती पर हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब ये खत्म होते हैं वापस बनते हैं, वापस खत्म होते हैं वापस बनते हैं। लेकिन दूसरे जो रिसोर्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो मैंने आपको बच्चों बताया था, वे रिसोर्स जो अगर एक बार खत्म हो गए तो वापस बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं इन मिनरल्स को, इन रिसोर्सेज को बनने में। तो इसीलिए अब आप देख रहे हैं, हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं बच्चों कि हमारा हम लोग जो मिनरल्स का यूज कर रहे हैं कंटिन्यूटी, में देखिए पूरी दुनिया डेवलपमेंट के पीछे भाग रही है, डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इसी भाग दौड़ में, इसी डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज का, इन मिनरल्स का इस तरह से यूज कर चुके हैं कि अब ये जो है एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ सालों में खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे अगर हमने इनको नहीं बचाया तो। बच्चों हम लोग बात कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम लोग कंजर्वेशन की बात कर चुके हैं। तो हमें जिस तरह से हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे वाइल्ड लाइफ को बचाना जरूरी है, वेजिटेशन को बढ़ाना, पेड़ पौधों को बचाना जरूरी है, उसी तरह से हमको इन मिनरल्स को भी कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो डेवलपमेंट के पीछे भाग रही है ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये रिसोर्स होंगे। अगर ये खत्म हो गए तो हमारा डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया है मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लगेंगे, ठीक है ना। रिड्यूस द वेस्टेज, तो आप लोग इनको कंजर्व कैसे करोगे? सबसे पहले जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करो, रिड्यूस का मतलब कम कर देना। सेकेंडली हम क्या करेंगे, रिसाइकल का मतलब आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था हमारे घर में जो चीजें खराब हो जाती है उसका जो सारा सामान है वो हम कबाड़ी में बेचते हैं, है ना। तो वो कबाड़ी के पास से कहाँ जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाता है, वहां पर इन मिनरल्स को मेल्ट किया जाता है और वापस नया सामान बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए हमको 3 R को अपनाना पड़ेगा। 3 R कौन से है बच्चों? पहला है रीयूज, मतलब बार बार चीजों को यूज करते रहे, उसको वेस्ट ना करें। सेकेंड आ जाएगा रिड्यूस, जितनी जरूरत हो उतना यूज करें, कम से कम कंजम्पशन करें, ठीक है, बचाई चीजों को। और रिसाइकल, खराब होने पर
सामान को या मिनरल्स से बनी हुई चीजों को फेंके नहीं, इनको वापस रिसाइकलिंग में डालते हैं जहाँ पर ये वापस मेल्ट होते हैं, नई सामान इनसे बनते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने जो मिनरल्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, साथ में ही हमने इनका कंजर्वेशन जाना है। कल हम बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर का लेंगे, पावर रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके फायदे, इनके नुकसान। इसके अलावा जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम लोगों ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये सारी चीजें डेवलप की है। तो किस तरह से हम नए तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं वो सब हम लोग जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही, कल हम वापस मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।